दोस्तों यहाँ पे पेटीएम यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे जो 29 तारीख को यानी 29 फरवरी 2024 को जो पेटीएम बंद होने वाला था, जो आरबीआई का गाइडलाइन आया था, यहाँ पे उसको बढ़ा दिया गया है। यानी आरबीआई ने यहाँ पे 15 दिनों का टाइम यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, और जितने भी यहाँ पे नॉर्मल चीज जो चल रहा था, जैसे आपका फास्टैग हो गया, पेटीएम वॉलेट हो गया, या फिर दोस्तों आपके यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, वो सारे के सारे यहाँ पे 15 मार्च तक नॉर्मल चलेगा, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज और मैं गुड न्यूज बता दूँ, यहाँ पे जो 15 दिन जो बढ़ा है, इससे यहाँ पे ये लग रहा है कि आरबीआई यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को अब बंद नहीं करने वाली है, और जहां तक हमें अनुमान लग रहा है। और आप लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि क्या ये इसका सच्चाई क्या है, आज यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होगा या नहीं होगा। और अपना आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होना चाहिए कि नहीं। अगर मेरा ओपिनियन बताऊं, यानी कि मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं, तो पेटीएम पेमेंट बैंक मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, उसको यूज करना बहुत आसान है, और क्योंकि बहुत ज्यादा सर्विस भी यहाँ पे है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जितने भी यहाँ पे सर्विस आपके सब जो चलने वाला था 29 तक, वो सारे के सारे 15 मार्च तक मिनिमम चलेगा, उससे आगे का पता नहीं। जब भी ऐसा कोई गुड न्यूज आएगा फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक, उनको सब्सक्राइब जरूर करें।